के साथ में है और स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने का मेन उद्देश्य कंज्यूमर को ही एम्पावर करना है। पहले जब डिजिटल मीटर या ऑर्डिनरी मीटर होता, उस मीटर में जो रीडिंग आती है उस रीडिंग के लिए वहां पर बिजली विभाग का डिविडिएशन का एम्प्लॉय जाता है, उसको रीडिंग को लेता है, नोट करता है, वो अपलोड कर दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग बिल दर्ज किया जाता है। स्मार्ट मीटर के आने के बाद में स्मार्ट मीटर टोटली नेटवर्क कनेक्टेड है, जो कि आपके मोबाइल पे भी देख सकते हो, पोर्टल पे देख सकते हो। बिल भी जनरेट होगा, वो टोटली ऑटोमेटिक जनरेट होगा, जितना कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग ही जनरेट है। इससे कंज्यूमर का एम्पावरमेंट है। उसके अलावा एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज जो उन लॉसेज को भी कम किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है जो कि 20% से कम लॉसेज रखे जाए, और उसमें जो फायदा होगा ओवरऑल बेनिफिट कंज्यूमर को ही होगा, और इसी का जो एक नतीजा होगा कि मोर पावर अवेलेबल कंज्यूमर को होगा। ये एक ताकि स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है, डिजिटल मीटर से स्मार्ट मीटर से जाने का क्या रीजन है, उसका ये वेरिफिकेशन है। और ये सब जगह पूरे भारत में किया जा रहा है, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, तो सभी जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कुछ स्टेट ने कंप्लीट कर दी है, कुछ स्टेट अभी तक अंडर प्रोसेस है। उसी के पार्ट में जम्मू कश्मीर रखा, जम्मू के अंदर 1,83,000 के लगभग मीटर लगाए जाने थे, और स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया आपको पता है, आज एक महीने पहले अभी शुरू नहीं हुई है, ये 2.5 साल से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, और उसमें 80% तक कंप्लीट कर भी दिया गया है, और उसमें डिफरेंट जहां जहां स्मार्ट मीटर लग चुके हैं उनसे भी आप बात करेंगे, स्मार्ट मीटर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। रही बात, कई जगह कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर जो है बड़ा फास्ट चलता है, तेज चलता है, उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जो स्मार्ट मीटर यहाँ आ रहा है दो कंपनी की तरफ से जो टेंडर हुआ, टेक्नो और एनविल की तरफ से लाया जा रहा है। इसमें स्मार्ट मीटर जो आता है ऐसे नहीं कि कंपनी डायरेक्टली ले आती है, पावर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफाई होता है, वो मीटर सर्टिफाई होने के बाद में वो मीटर सप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पर भी उसको प्रॉपर सर्टिफाई किया जाता है। और पिछली मीटिंग में ये एक इश्यू रहा, स्मार्ट मीटर बहुत फास्ट चल रहा है, तो सभी सिविल सोसाइटी के लोग जो प्रेजेंट थे उनके साथ में बातचीत करने के बाद में ये डिसाइड किया गया कि जिस मोहल्ले में जहां जहां स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, यदि किसी मोहल्ले में या किसी गली में या किसी को इश्यू है तो वहां पे चेक मीटर लगाने शुरू किए। वो चेक मीटर वेयर हाउस में लगे हैं और भी कई जगह लगे हैं, और 7 दिन से मैं भी उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, एमडी जेबीडी से भी मॉनिटर कर रहे हैं। वो स्मार्ट मीटर के साथ में पैरेलल लगाया गया है, उनका रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं, उनका रिजल्ट जो है प्रॉपर ठीक है, किसी भी तरीके से उसमें स्मार्ट मीटर से और ओल्ड मीटर में डिफरेंस नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है, जो कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज चलता है, वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। दूसरी बात आती है, ये कहा जाता है कि बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, उसमें दो रीजन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मेरे पास में एक बिल है, इस बिल में आप देखेंगे तो बिल जो आया है, ये बिल है गांधीनगर का, मोहम्मद सलीम टीचर का बिल है, जिनका की बिल जो आया है 19,499 रुपए। जब इन्होंने कल ग्रेवियंस की, ग्रेवियंस के बाद में जब देखा गया तो इनका बिल 19,499 रुपए का है, पर इनका बिल की पुरानी रिव्यू, वो जो बिल बकाया है वो 11,000 रुपए का बकाया है। होता क्या है कि जब स्मार्ट मीटर लगाया जाता है, स्मार्ट मीटर जीरो पे सेट किया जाता है, पर उसका जो पुराना बिल है, पुराना मीटर है, उस पुराने मीटर में जो पेंडिंग जितने बिल की रीडिंग होती है उस रीडिंग को एसओपी के अकॉर्डिंग फोटो खींचना है, उसके बाद में उसको पोर्टल में अपलोड करना है। तो कुछ लोगों का पुराना बिल जो बकाया होता है उस बिल को
फिर जब आप जियो पे सेट हुआ 4 या 5 घंटे बाद में जब पोर्टल पे पुराने बिल की पुराने मीटर की रीडिंग जब अपलोड होती है तो वो भी दिखाता है, जिससे लोगों में शंका रहती है कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज चलता है। इसके लिए एक समाधान किया गया है जो कि MD JPDCL को इनको बताया गया है कि जहां भी जाएंगे जहां पर भी पुराना मीटर लगा हुआ है पुराने मीटर की रीडिंग होगी वो कंज्यूमर को दिखाई जाएगी कि आप भाई साहब आप देखें आपकी ये रीडिंग है, इस रीडिंग को हम ले रहे हैं फोटो खींच के ले रहे हैं, आप नोट करके रख लें, इस रीडिंग को रखा जाएगा जो कि आपके अगले मीटर के अंदर आएंगे। इसमें एक और मैं क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि मैनुअल किया जाता है, मुझे कहने में शक नहीं है, कई बार जो ग्राउंड लेवल का वर्कर जाता था आपका वहां पर माना गया कि वहां पे 10,000 की रीडिंग आ रखी है तो क्या पता वो 8,000 की रीडिंग ही नोट करके दिखाता था जिससे कि आपकी 2,000 की रीडिंग बैकलॉग में चलती रहती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ यदि आपने पिछले महीने का बिल भी पे किया है, यदि मैनुअल जो रीडिंग दी गई है उसमें यदि रीडिंग को छोड़ दी गई है या प्रॉपर नहीं रीड की गई है तो रीडिंग आपकी बैकलॉग में उस मीटर में रहेगी। क्योंकि कुछ लोगों के प्रश्न हो सकता है कि हमने तो बिल पे कर दिया फिर आगे कहाँ आता है, इसीलिए स्मार्ट मीटर को लाया जा रहा है जिससे किसी भी तरीके से ह्यूमन एरर या ह्यूमन डिस्क्रिप्शन नहीं, ये उसका बिल का एक रीजन ये है। दूसरा रीजन जो कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज चलता है बिल बहुत ज्यादा, दूसरा रीजन ये आता है कि इनका सॉफ्टवेयर जो था बिल जनरेशन में सॉफ्टवेयर नया सिस्टम शुरू किया था टाइम ले रहा था तो जो इनका बिल साइकिल है 1 महीने का वो नहीं हो रहा था, 2 महीने 3 महीने में कोई बिल आ रहा था जिससे जब कंज्यूमर के पास बिल जाता था तो कंज्यूमर को ये शंका होती थी कि मेरा बिल जब 3,000 होता था तो 3 महीने का बिल एक साथ जाता है तो 9,000 रुपए का हो जाता, तो ये दो जो था वो शंकाएं थी। इन शंकाओं का समाधान करने के लिए पिछली मीटिंग जब सिविल सोसाइटी के साथ में की गई थी तो प्रॉपरली JPDCL की तरफ से ग्रीवेंस सेल्स बनाई गई है, उसके नंबर जो जो ऑफिसर से उनके सर्कुलेट किए गए हैं, जिस किसी कंज्यूमर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, अपना बिल दिखा सकते हैं और विद इन 2 डेज के अंदर ग्रीवियंस को आपको रिजोल्व किया जाए। अभी तक लगभग 200 के लगभग कंप्लेन JPDCL के पास में आई है, उस 200 में से 185 तक की कंप्लेन का रिजोल्व कर दिया गया है, 15 कंप्लेन वो है जो कल या परसों के लेवल पे आई है उसको भी रिजोल्व किया जाना है। वो जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी, सोशल मीडिया पे भी दे दी जाएगी, मेरी आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी भी तरीके की कंप्लेन है उनसे कॉन्टेक्ट किया जाए। उसके पश्चात एक ये भी सुझाव आया कि ये तो सिर्फ आपने जो कमेटी बनाई है या जो बनाए इसमें सिर्फ JPDCL के एम्प्लॉई है, तो हमने अभी ADC जम्मू जो कि हरविंदर सिंह जी है इनको इंचार्ज बनाया है, वो इसको पूरा देखेंगे, और EOC जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स, कुछ और ऑफिसर, दूसरे हम 2-3 वॉलंटियर्स लेंगे सिविल सोसाइटी से जो रेड क्रॉस से हो सकते हैं या सैनिक वेलफेयर बोर्ड से हो सकते हैं, उनको भी साथ में बिठाएंगे जिससे किसी को भी पब्लिक को कोई शक शुभ नहीं रहे, उनके सामने इश्यूज को रिजोल्व किया जाएगा और उनको भी समझाया जाएगा। इसके बाद में एक इश्यू आया कि स्मार्ट मीटर को आप पोल के ऊपर लगा रहे हो, बहुत हाइट पे लगाया जा रहा है जिससे लोगों को इनसिक्योरिटी हुई कि उसके अंदर जो रीडिंग आ रही है वो किस तरीके की आ रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर जो है कनेक्टिविटी पे काम है, जो पहले ही मैंने बताया उसके लिए एक सर्टेन हाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, 8 मीटर तक की रिक्वायरमेंट रहती है, पर इस इश्यू को भी देखने के बाद में ये डिसाइड किया गया था पिछले 5 दिन पहले कि जहां पर जिस घर में 8 मीटर की हाइट मिलती है आउटसाइड में वॉल पे वहां पर मीटर को उसके वॉल पे लगा दिया जाए। दूसरा, इस शंका का समाधान के लिए यदि कहीं पर हो सकता है कहीं पर 8 मीटर की हाइट नहीं मिल रही फिर भी वॉल पे लगाया जाएगा, फिर भी लोगों में शंका होती है तो वहां पर जो मीटर बिल्कुल दिखता है उस कंज्यूमर के साथ में उनके ही मोबाइल से उनकी रीडिंग के साथ में दिखाया जाएगा कि ये जो रीडिंग आ रही है आपके मोबाइल में दिखाई जा रही है, आपके पोर्टल में दिखाई जा रही है और मीटर में देख रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, उसको भी वेरिफिकेशन करने के लिए तैयार। 8 मीटर या 8 फीटर? 8 मीटर आइडियल आइडियल
उसके पश्चात एक इश्यू जो सबसे बड़ा आया, जिसको कहा गया कि प्रीपेड मीटर जो लगाया जा रहा है, उसका प्रीपेड मीटर कुछ नहीं है, जो सब कुछ हम मोबाइल यूज करते हैं जिस टाइम से उसी तरीके से किया है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जितने भी मीटर हैं वो पहले मीटर लगाए जाएंगे, सैचुरेशन किया जाएगा, उनका वेरिफिकेशन लिया जाएगा, पब्लिक से सजेशन लिया जाएगा, इनका फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद में इसको कैलिब्रेट किया जाएगा। ये मैं आपको सभी के लिए, आम पब्लिक के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, उसको सैचुरेशन करके, फीडबैक लेके, उसको वेरीफाई करके, उसके बाद में ही कहीं प्रीपेड का किया जाएगा। अभी हम प्रीपेड की तरफ नहीं है। ये जो कुछ इश्यूज थे, जो चार पांच इश्यूज जहां जहां स्मार्ट मीटर के लिए कहे गए थे, उनके बारे में मैंने बताया आपको। और इसमें जो आपको ये दे दी जाएगी सीट, सभी जितने मीडिया के साथी हैं उनके ऊपर, आज के पेपर में भी दिया गया, सोशल मीडिया पे भी दिया जाएगा, जहां जहां गेंस है उनके कॉन्टेक्ट नंबर दिए जाएंगे, सब कुछ दिए जाएंगे, आप लोग उस पर कॉल कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। इसके बाद में एक इश्यू जो रहा सरोड टोल प्लाजा का, टोल प्लाजा के ऊपर जो कल एलजी साहब ने पहले, आज से तीन दिन पहले जब आईआईएम में फंक्शन था, तब आप सभी लोगों को संबोधित किया था, उसमें ये कहा गया था, उन्होंने उसी दिन एनएचआई के साथ में टेकअप किया था, एनएचआई ने अपनी टीम रिपोर्ट करने का कहा था, उसके बाद में समाधान किए जाने का बोला। कल एनएचआई के साथ में एलजी साहब की बात हुई है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग ली है, उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, क्योंकि कानून प्रावधान सब कुछ है उनके अकॉर्डिंग किया जा रहा, उन्होंने एक टीम यहाँ पे डिप्यूट की है, तो उनकी उम्मीद है कि कल टीम आ जाएगी, और उससे उम्मीद की जा रही है कुछ रिलैक्सेशन रिलीज की उनसे बड़ी उम्मीद है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यूटी गवर्नमेंट की तरफ से सभी लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनएचआई भी इसके ऊपर प्रयास कर रही है, जो आपको कल टीम विजिट करने के बाद में जो रिलीफ होगी वो आपको बताया जाएगा। पर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्रशासन के साथ सहयोग करें, कोई भी कानून में हाथ लेने का उस तरह का प्रयास न करें। अब एडी जी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा टोल प्लाजा के इशू पे डिप्टी साहब ने कहा, एक बहुत हाई लेवल मीटिंग कल हुई है, और इसमें जो भी एलजी साहब के पास जितने भी फोरम से ग्रीवांसेज आए थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, चाहे यहाँ की लोकल बीजेपी की इकाई हो, चाहे बार एसोसिएशन हो, कोई भी जिसकी भी ग्रीवांसेज एलजी साहब के पास आए थे, उस पर फौरी कार्रवाई करते हुए मैटर को टेकअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और उसकी फर्दरेंस में कल ये बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें हम दोनों मौजूद थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आ रही है दो दिन के अंदर, उनके साथ डिपकॉम साहब और डीसी साहब जो इलाके के हैं उनकी कमेटी इकट्ठे जाएगी, पूरे रास्ते को रिव्यू करेगी, कितना रोड डैमेज है, कितना नहीं है, कितनी बन गई है, कितनी बनी बाकी है, कितने रास्तों पे पॉटहोल्स हैं नहीं है, उन सब को एड्रेस किया जाएगा, ताकि नंबर वन रोड जर्नी जितनी स्मूथ हो सकती है इन कंडीशंस में हो रहे, और नंबर टू जो मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ पॉसिबल है वो एनएचएआई देने को तैयार है, और वो फैसला जो उनकी विजिट जो जॉइंट विजिट होगी उसके बाद लिया जाएगा। ये बातें हुई हैं जो भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। जम्मू बल की कॉल कर दी गई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे बंदी को किस प्रकार? ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पांच मुद्दे उठाए थे, पांचों का जवाब आपको डिपकॉम साहब ने दे दिया। उनकी तरफ से जो कल की यदि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, तो उन्होंने कहा था कि हमने पांच मुद्दे स्मार्ट मीटर के लिए रखे हैं, वो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। पांचों का जवाब, चारों का पहले हम उस दिन भी समाधान कर चुके थे, पांचों का जो प्रीपेड का था वो भी मैंने आपको बता दिया है, जहाँ तक स्मार्ट मीटर का सवाल है उसका पूरा कर दिया है। हम जितनी भी रूप से उनके साथ बात कर रहे हैं, जिसको भी किसी के है उसके लिए तैयार है, उससे पहले भी बातचीत की है, अभी भी बातचीत करने के लिए तैयार है,
आज भी आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं सभी को कि जो स्मार्ट मीटर के रिगार्डिंग इश्यूज थे उनको रिजोल्व किया गया है। सरोट टोल प्लाजा के लिए इश्यू था उनका भी आपको ब्रीफ किया है। जी देखिए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ब्रीच ऑफ पीस के कारण गिरफ्तार किया गया है। ये मुद्दा सिर्फ इस ग्रुप में नहीं उठाया था, ये बहुत सारे ग्रुप्स ने उठाया था। बीजेपी की लोकल इकाई ने उठाया था, सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसको 1 तारीख को डिपकॉम साहब को रिप्रेजेंटेशन दी थी, बार एसोसिएशन ने रिप्रेजेंटेशन दी थी। बार एसोसिएशन का बहुत ही अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस आया जिसमें सारे मुद्दे उन्होंने रखे, कुछ डिस्टेंस का, कुछ ये वो, सारे जितने भी मुद्दे बनते थे हाईवे रिलेटेड। लेकिन इन सब ग्रुप्स ने एक तरीका अपनाया, फोरम्स जो उपलब्ध थे, जो मौजूद थे, उनको इस्तेमाल किया, सही जगह पे गए, और जिसका नतीजा है कि बात को टेकअप किया गया भारत सरकार लेवल पे और एक टीम आ रही है। ये सब उसी का उन्हीं प्रयासों का नतीजा है। जो जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं उस ग्रुप ने पहले दिन तो पीसफुल रखा, लेकिन उसके बाद ये पीसफुल से ब्रीच ऑफ पीस की तरफ बढ़ गया। पहले कहा गया था लोगों को कठिनाई नहीं होगी, फिर रास्ते बंद होने लगे, फिर रास्ते बंद होने लगे कहा गया कि कोई पत्थर नहीं मारेगा, फिर पत्थर भी मारे लगे। ये काबिले बर्दाश्त नहीं रहे और आगे भी नहीं रहेगा। हाईवे को किसी भी तरीके से ब्लॉक करने का और किसी को भी इजाजत नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट करने के तरीके जो दूसरे लोगों ने किया है और उस पर प्रोग्रेस भी हो रहा है। अब जो इनकी रिहाई की बात है, आप में से मुअज्जज लोग सामने आए, श्योरिटी ले, गारंटी ले कि इस तरह की हरकतें नहीं हो, कोई हर्ज नहीं, इसमें इनकी रिहाई भी हो सकती है। लेकिन जब तक श्योरिटी नहीं रहेगी कि पीसफुल मेंटेन रहेगा, कोई रोड ब्लॉक नहीं होगा, कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, तब तक ये नहीं हो सकता। अगर आप में से कुछ मुअज्जिज सामने आना चाहते हैं, श्योरिटी लेना चाहते हैं, गारंटी लेना चाहते हैं, इनके बिहाफ में बिल्कुल वेलकम है, तुरंत रिहाई हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हंगर स्ट्राइक की जो बात है, जो मुद्दे है उन्हीं पे हंगर स्ट्राइक है, तो मुद्दों को तो एड्रेस किया ही जा रहा है, तभी तो बात यहाँ तक पहुंची है कि एनएचए की टीम आ रही है, देख रही है। मैं सबसे अपील ये करना चाहता हूँ और डिपकॉम साहब के भी बिहाफ पे कि जितनी भी इश्यूज आपके समक्ष रखी जा रही है उन सब पे एक्शन हुआ है और ठीक एक्शन हुआ है। कल भी जो चेंबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही थी उसमें किसी आप में से ही केसी मोजेस मीडिया पर्सन ने पूछा था कि जो वेयरहाउस में जो लगे थे, जो जेपीडीसीएल ने लगाए थे टेस्ट मीटर्स, चेक मीटर्स, उनका क्या हुआ, तो उस बात को अवॉइड किया गया, जबकि उस सारी रिपोर्टें जेपीडीसीएल के पास एमडी साहब बैठे हैं, उनके पास मौजूद है, तो सभी मुद्दों को एड्रेस कर दिया गया है और अच्छी तरीके से एड्रेस किया गया। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, जो बातें आपके सामने तोड़ फोड़ के रखी जा रही है वो सही नहीं है। इस बात पे बंद कॉल बनता नहीं है। अगर बंद हो रहा है, कॉल हो रही है, हम अभी भी उन लोगों से संपर्क करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आपकी मुद्दे को देखा गया है, मुद्दों पे आगे बहुत सारी कार्रवाई हुई है, आप इस बंद को कॉल ऑफ कर ले। मुझे उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और आप सब जो मीडिया बंधु जो यहाँ है, जो सोशल मीडिया में ये बातें पहुंचाएंगे, हो सकता है कि इन सब की भी आंखें खुलें और इनको भी एहसास हो ये जो बंद कॉल है ये सही नहीं। सर गुलाबी साहब, सर विशाल, सर यूएनए से, सर स्मार्ट मीटर के रिगार्डिंग दो बार